अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़िर तलबा तालिबात, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने इस बात का इजहार किए थे कि हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, तो आज हम नया सबक शुरू करते हैं काम, तवानाई और ताकत, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो पहले जो है एक चीज पर हम फोकस करेंगे कि चीज पे काम। तो बताइए, आप में से कोई बता सकता है कि काम की तारीफ क्या होगी? किसे कहते काम? तो जैसे कोई भी चीज आपने की है ना, तो उसको बोलते ना कि आज हमने इतना काम किया, आज इतना काम किया, ज्यादा काम की। किसी भी अमल को अंजाम पसीर तक पहुंचाना, किसी भी अमल का अंजाम तक, उसे अंजाम तक पहुंचाना काम कहलाता है ना। कोई भी अमल अगर आप कर रहे हैं, उसको मुकम्मल कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है? काम। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी काम है ना। या फिर कोई और पानी भर रहे हैं, आप पानी ला रहे हैं, आपने काम किया। सौदा ला रहे हैं, आपने बाजार से काम किया, एक अमल था, उसको अंजाम तक पहुंचाया आपने, काम किए। तो किसी भी अमल के अंजाम पजीरी काम कहलाती है। ये काम आपने किया है, ये इसको कहते हैं काम। अब बहुत से तरह तरह के काम होते हैं। उसके बाद है तवानाई। एनर्जी, समझे? अब एनर्जी क्या होता है? काम करने की सलाहियत, काम करने की सलाहियत तवानाई कहलाती है। मिसाल के तौर पे देखिए कि एक छोटा बच्चा क्या करेगा, छोटा बच्चा जो है वो छोटे काम करेगा थोड़ी। मिसाल के तौर पे एक बड़ी बकेट में पानी है, वो छोटा बच्चा नहीं ले जा सकता, बड़ा आदमी ले जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी तवानाई नहीं है, है ना। वो तवानाई नहीं है, एनर्जी नहीं है उसको काम करने। तो ये काम करने की जो सलाहियत होती है, जो कैपेसिटी होती है हमको, तो ये तवानाई कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तवानाई की ऐसा निजाम में क्या इकाई है? उसको जूल कहते हैं, जूल, ऐसा निजाम में कहते हैं। अब यह ताकत, किसे कहते ताकत? हाँ, कोई भी चीज उठा, देखेंगे आप पहलवान जो बड़ी बड़ी भारी चीजें उठा लेते हैं, कोई भी चीज को ताकत, तो हर एक के उसकी ताकत के हिसाब से काम करता है ये। तो जिसमें जितनी ज्यादा तवानाई होगी, वो उतना ज्यादा जो है उसके अंदर ताकत होगी, है ना। तो तवानाई को रूबे अमल लाने का काम जो है वो ताकत कहलाता है। तवानाई को रूबे अमल लेने, तवानाई को अमल में लाने का, आप में तवानाई है, लेकिन आप में तवानाई होने के बाद आप किसी चीज पे उसका अमल ही नहीं अंजाम दे रहे, तो ताकत ही नहीं, यानी आप अमल ही नहीं कर रहे। लेकिन आप में कुछ सलाहियत है, कुछ तवानाई है, तवानाई के हिसाब से आप जो है किसी चीज पर, मिसाल के तौर पर एक वजनदार चीज, उसको ढकेलना है, लेकिन आप पूरी तवानाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, मामूली नहीं होगा। लेकिन जब आप पूरी तवानाई उसको इस्तेमाल करेंगे, जिसके नतीजे में उस पर एक काम होगा, वो ताकत होगी, उस ताकत के तहत वो चीज मुतारिक होगी, हरकत में आएगी। ये होता तवानाई। अब हम इसको अलग अलग इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी। अब इससे पहले जैसे देखिए कि अब स्केलर प्रोडक्ट,
स्केलर किसे स्केलर वेक्टर हो चुका हमारा, है ना, किसे कहते हैं स्केलर वेक्टर, यानी गैर समति, गैर समति और समति। बहुत स्टार इसमें बताया था मैं, गैर समति मिकदारों का जरब, अब इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, स्केलर समति मिकदार गैर समति मिकदार हुआ था। ये गैर समति मिकदार उसे कहते हैं कि किसी भी तबई मिकदार को जाहिर करने के लिए सिर्फ उसकी कदर का कदर की जरूरत होती है, उसे गैर समति मिकदार। और समति मिकदार किसी भी तबई मिकदार को जाहिर करने के लिए उसकी कदर और सम दोनों की जरूरत होती है। अब ये मिसाल के तौर पर ये क्या होगी गैर समति मिकदार, मैंने क्या बताया था, ये वजन है, हजम है, किसी भी चीज का वजन का डिक्लेयर कर दिया कि भाई 3 किलो है वजन, 10 किलो है, 2 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, तो उसके इस कदर से ही जाहिर हो गया कि वो कितना है। संत बताने की जरूरत नहीं ना उसको, ना आपका वजन क्या है तो आप क्या बोलेंगे कि शुमार में मेरा वजन इतना है, दिनों में इतना है, ऐसा बताएंगे, एक पर्टिकुलर एक वजन बता देंगे, 50 किलो 60 किलो जो भी वजन है आप। लेकिन समति मिकदार में क्या होता है, तो उसकी कदर के साथ साथ उसको समति बताना। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा हटाओ डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर हटाओ, 3 मीटर हटाओ तो कदर होगी, लेकिन किस समत हटाओ, एक एक गाड़ी गई है, हमने कहा कि भाई ये इसकी रफ्तार जो है 50 मीटर 50 किलोमीटर है, तो एक गाड़ी गई है 50 किलोमीटर, तो अभी उसकी कदर होगी लेकिन किस समत में गई, तो दो चीज बताना पड़ेगी। हाँ, तो अब ये हमको देखना है समति मिकदारों का जरब। अब इसमें देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पर एक ये है कि ए है और ये ए डॉट बी, इनकी दोनों की जरब है, ए जरब बी, तो ए जरब बी को हम बी जरब ए भी लिख सकते हैं, ये इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। समझा गया, ए जरब बी इज इक्वल टू बी जरब ए, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसा होता है देखिए, कि जैसे ये लिखा आपको ए डॉट बी प्लस सी, या फिर इसको इस तरह ए डॉट बी प्लस सी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना, ए इसमें दोनों को मल्टीप्लाई, ए डॉट बी इंटू ए डॉट सी। किताब है क्या हूं उसको उर्दू में, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो उसके अंदर है, अच्छा इसके अंदर ये भी देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर ए डॉट बी है, तो इसको हम ए डॉट बी कंपोनेंट के तहत भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट में कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1, कॉस 0 1 होगा तो वही होगा ना ए डॉट बी, हाँ ये कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये ए डॉट बी हो जाएगा, तो अगर कंपोनेंट मिल गया ऐसे में ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा, नहीं थीटा, थीटा की वैल्यू जो है 0 होती है एंगल की, तो कॉस 0 1 होते हैं, ये याद रखें इस तरह डिस्ट्रीब्यूट। और एक कंपोनेंट का हमने कैसा पढ़े देखिए कि वेक्टर के तहत हमने एक बात पढ़ते, यह फिर वेक्टर के तहत कैसा होता है देखिए, आई इंटू आई इज इक्वल टू जे इंटू जे
is equal to k into k is equal to 1. अगर दोनों भी ये आई आई कैप इंटू आई के जे कैप इंटू जे के कैप इंटू के कैप, और अगर ऐसा हो जाए देखिए आई आई कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू आई कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों अगर अलग अलग है, ये आई इंटू जे जे इंटू के या आई इंटू के, तो ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये दोनों भी वेक्टर जे जे के इज इक्वल टू वन होंगे, है ना। अब इसकी एक एग्जांपल देख सकते, मिसाल के तौर पर आपको इस तरह से दिए गए, ए एक्स, तो ये कैसा होगा देखिए, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, बी एक्स है तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब अगर इनमें हमको मल्टीप्लिकेशन लिखना है तो देखिए कि इनकी एडिशन अगर ऐड करना है तो मैं एडिशन बताता हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए से, तो आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना ऐड करना ए एक्स प्लस बी एक्स, तो पहले ये लिखेंगे प्लस ये लिखेंगे, डायल करो कि लिख दू ठीक है लिख के बता, तो आप क्या करेंगे पहले ये ए एक्स आए ए वाई जे ए जेड के प्लस ये लिखेंगे बी एक्स आए प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इसी तरह से इनका कोएफिशिएंट का एडिशन होगा, कोएफिशिएंट जरीबो का एडिशन, जरीबो का एडिशन कैसा होगा देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स आई ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। इसको समझिए आप, हमने क्या करें कि ये दोनों की जमा करें, तो पहले ये लिखे प्लस ये लिखे, अब इसमें देखो क्या करें ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई, फिर ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे ए जेड इंटू इंटू के, ऐसा इसका एडिशन होगा। हो गया तो पहले मैंने ये जो बताया था ये तकलीबी कानून बताया, कॉम्पिटिटिव लॉ, तकलीबी कानून, कॉम्पिटिटिव लॉ, तकलीबी कानून, और यह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तकसीमी कानून, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये तकसीमी कानून,
और ये कॉम्पिटिटिव लॉ है, किधर कह देते तकलीफी कानून कहलाते, तकलीफी कानून। ये लिख लिया नहीं, अब देखिए इसमें हमने क्या करा है, इसको ये लेंगे एक्स इंटू बी एक्स, ये दोनों का इंटू करेंगे, तो कैसा लिखेंगे हम ए एक्स आए प्लस बी वाई जे प्लस ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, प्लस इंटू मल्टीप्लाई बी एक्स आई प्लस बी बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ए एक्स आई इंटू बी एक्स आई प्लस ए वाई जे इंटू बी वाई जे प्लस ए जेड के इंटू बी जेड के, ये आ जाएगा। सुन जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब अगर हमको इस तरह से लेना है ए इंटू ए या ए एक्स इंटू ए एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू ए इज इक्वल टू, कैसा हो जाएगा ये ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी वाई इंटू बी वाई और नहीं ए इंटू ए आएगा तो ये बी नहीं आएगा इसके अंदर, ए एक्स इंटू ए वाई ए एक्स इंटू एक्स ए वाई इंटू ए वाई ए जेड इंटू ए जेड। अब ये ए इंटू ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए एक्स, इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। पहले इतना समझ या आगे समझिए, नहीं ना नहीं, ये जो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया ना जेड है, तो अब ये कैसा हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर एक्स बी ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड। सर वो छे इसमें मतलब दो 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 दो, हाँ एक। अब ये देखो पहले ए इंटू बी था ना, अब ए इंटू ए ये इसको इस तरफ दिया हमने, मैंने डायरेक्ट कर दिया,
ये लिख के बताओ एक मात्र। तब ये ए जैसे ए एक्स इंटू बी एक्स का था तो ऐसे यहाँ कैसे हो जाएगा ए एक्स बी एक्स इंटू एक्स एक्स आई इंटू एक्स आई इसी तरह से ये एक्स एक्स बी वाई। अब इसमें एक प्रॉब्लम अगर देंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगा किस तरह आसान होता है। अब देखिए इस तरह से ये हमारा जो है ना a इंटू ए इसको मॉड ए इंटू मॉड ए भी ले सकते हैं इंटू कॉस थीटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू कॉस थीटा। हमने बताया था कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी थीटा की वैल्यू अगर रहा तो ये मॉड समझता ना इससे पहले बताया था मैंने मॉड का क्या रहता है एक बात याद रखिए कि अगर कोई प्लस है तो माइनस प्लस ही रहेगा लेकिन माइनस रहा तो बाहर आके प्लस हो जाता मॉड। ये कुव्वत की इकाई की इकाई एफ इज इक्वल टू कुवत की इकाई एफ इज इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के और डी इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू फाइव आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के ठीक है के दरमियानी जाविया मालूम कीजिए के क्या दरमियानी जाविया मालूम कीजिए और एफ का डी पर एफ का डी पर जिल भी मालूम कीजिए जिल भी मालूम कीजिए जिल या प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मैंने बताया था ना प्रोजेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है तो पहले देखिए हम क्या करते हैं इसको एफ इंटू डी तो ये कैसा हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। थ्री इंटू फाइव प्लस फोर इंटू फोर प्लस
माइनस फाइव इंटू थ्री आएगी समझ, थ्री इंटू फाइव आए आए इधर देखो जे जे के थ्री इंटू फाइव फोर इंटू फोर माइनस फाइव इंटू थ्री कितना हो गया सिक्सटीन यूनिट फिफ्टीन फिफ्टीन क्या हाँ हाँ ना तीनों मल्टीप्लाई नहीं हुए ये दो दो मल्टीप्लाई हुए एडिशन हुआ तीनों तीनों भी वो लेता जैसा देखो अपने क्या लिए प्लस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन कैंसिल नहीं हुआ सोलह फिर दो वैसे कर सकते दोनों की जमा करो फिर मन पंद्रह करो यहां तक समझ आ गया क्या आपका तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते कि F into D is equal to F into D cos theta is equal to 16 unit, 16 ekai. Yo, ho gaya kya chalo? Ab dekhiye isme F into F kya hoga? Fx square Fy square, Fz square. Three square plus four square plus minus five square. Nine, 16 plus 25. 50 यूनिट बताइए एनी डाउट इसमें कोई डाउट है आपको कितना आ रहा है पचास इकाई कैसा हुआ एफ इंटू एक्स बताइए एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ जेड स्क्वायर थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर माइनस फाइव कहां से आ गए थ्री स्क्वायर फोर स्क्वायर ये थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस इसका माइनस है ना तो फिर उसका प्लस करना है लेकिन ये माइनस है तो फिर माइनस में ब्रैकेट में आएगा माइनस फाइव स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इनकी टोटल करें और अरे नौ और सोलह पच्चीस पच्चीस जो पच्चीस पचास आसान से हो गया अब नेक्स्ट है देखो डी इंटू डी कैसा लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये क्या होगा फाइव स्क्वायर फोर स्क्वायर प्लस नाइन स्क्वायर फाइव स्क्वायर कितना हो रहा पच्चीस सोलह नहीं नौ नहीं कितना होना चाहिए तीन होना चाहिए तीन है ना ये इसका नौ हो जाएगा तो इस तो ये भी आता पचास इकाई
हो गया। अब हमको क्या निकालना है, जाविया निकालना है इसको। ये लिख लिया आपने, तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू एफ डी बाय एफ स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। हो गया। देखो एफ डी कितना आया, 16। यहां देखो ये क्या हुआ, एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर है ना, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर 50 आया तो एफ क्या हो जाएगा, रूट 50। इसी तरह से ये डी स्क्वायर है ना हमारे पास, डी स्क्वायर इज इक्वल 50, डी इंटू डी, तो डी कितना होगा, जजरम 50। डी इंटू डी, डी स्क्वायर 50 आया तो डी कितना हो जाएगा, रूट 5। समझ आ रहे हैं आपके। इधर देख लो, ये हमारे पास एक सवाल दिया गया कि कुव्वत की इकाई और ये फासला दिया गया, इनका दरमियानी जाविया मालूम करने का, प्रोजेक्शन मालूम करने का। तो अभी मैंने समझाया क्या करेंगे, आई आई जरीबू की मल्टीप्लाई जे जे की होंगी, तो हमने क्या करे, देखिए पहले एफ इंटू डी लिए, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई, इसके इसकी मल्टीप्लाई, इसके इसके मल्टीप्लाई। देखो 3 × 5, 4 × 4, -5 × 3, ये हो गया 15, ये 16, ये कट गया 16 यूनिट है। अब इसका एफ इंटू डी ये हो गया, अब एफ इंटू एफ इसका स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर 3² प्लस 4² माइनस 5² 9, 16 माइनस 5 को क्या हो जाता, प्लस, ये दोनों की जमा 50। इसी तरह डी इंटू डी, डी स्क्वायर, तब ये तो इसका क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो ये 5² 4² 3² तो डी स्क्वायर 50 हुआ। डी क्या हुआ, जजर में 50, ये स्क्वायर है ना। अरे भाई ये डी, देखो एक बात सुन लो, ये इसकी एक मिसाल देता मैं कि ये डी स्क्वायर में 25, तो डी क्या हो जाएगा, नहीं ना ये डी स्क्वायर है ना, डी के मुरब्बा, तो इसका जजर लीजिए तो इसका भी जजर लेना पड़ेगा, 25 का जजर 5। आगे समझे, अब अगर कोई चीज दी गई आपको, ये 50 या दी गई 50 है ना, तो डी स्क्वायर 50 है, तो 50 का जजर नहीं होता, कामिल मुरब्बा बात नहीं है ना, तो जिसका जजर नहीं होता तो उसको जजर मिले, जजर 50 होता, हाँ जजर में लिख देते, हाँ तो जजर में लिख दिया हमने। तो यहां देखो cos थीटा इज इक्वल टू एफ डी अपॉन ये लिखे हमने एफ डी इंटू एफ या डी, तो एफ डी कितना आ गया 16, और यहाँ एफ कितना आ रहा हमारा, जजर में 50 इंटू जजर में 50, डी भी जजर में 50 आया ना, ये हो गया ना, ये तो देखो यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन जजर 50, जजर 50 जजर 100, ये देखो इधर जजर में ए, इधर अब जजर में ए हो जाएंगे एक जैसे, इधर अब तो जैसे मिसाल जजर में 3, इधर जजर में 3,
जजर में क्या हो जा रहा है, नौ, नौ का जजर तीन, तो यक्षा आदत जब जरब में आएंगे तो जजर हजार, जजर पचास, जजर पचास, जजर हट जाएगा, ये क्या आएगा पचास, उसका जजर नहीं तो हो गया। आप देखो यहां हमको इसको डिवाइड करना है, होता क्या डिवाइड नहीं होता ना, तो जीरो लगाए, जीरो लगाते हैं आशर, पचास दिया डेढ़ सौ, कितने बचे दस, फिर लगाए सिफर सौ, पचास दुनी तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.32, तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.32, समझ गया ना, इस तरह से अब आपके इसमें दिया ना बुक में, वो शॉर्ट में दिया मैंने आपको डिटेल करके थे, देखिए हमारे पास एक काम तवानाई का मसला, समझे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है इसको हम पढ़ेंगे अभी, देखिए क्या बताया आपके काम तवानाई का मसला, थ्योरम ऑफ वर्क एंड एनर्जी, देखिए जैसा इसमें हर की तवानाई की हर की मसावात भी हम लेते हैं, तो हमको मालूम है इससे पहले कि हर की तवानाई के हमने पढ़े थे हर की मसाव मुजरत हर की मसावात काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था, कि जब अगर इसरा मुस्तकिल हो जाए तो हमारी इक्वेशन कैसी थी, फिर ये इक्वेशन यूज करते थे हम यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना, इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, उसके अलावा तवानाई इसमें एक बात है, तवानाई बिल हरकत किसे कहते हैं बताइए, पहले इसको समझ ली, तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिल कवा दोनों चीजें बताई थी आपको, हाँ तुम्हारे बताया ना हरकत से पैदा होने वाली तवानाई, तवानाई भी हरकत बहुत सिंपल है, और कुवत से पैदा होने वाली तवानाई, तवानाई भी कवा उसके हिसाब से भी तवानाई भी हरकत है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इसका टू हाफ एम बी स्क्वायर, यानी रफ्तार का मुरब्बा जरब कमियत,
उन दोनों का हासिल जरब करने जो होगा वो तवानाई बिल हरकत कहलाएगी। तो अब हमको इस फॉर्म में लाने के लिए ये इक्वेशन को हमको क्या करना है, देखिए इसको लीजिए इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू एम, वन अपॉन टू एम से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है तो पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको करेंगे देखिए वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन अपॉन टू एम यू स्क्वायर वन अपॉन टू एम, बस वो सिंपल मेथड से हम जाएंगे वन अपॉन टू एम से हमने तरफाइन को मल्टीप्लाई कर, यहां कैसे लिखेंगे वन अपॉन टू एम मल्टीप्लाई बाय ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन, मसाद नंबर एक को तरफाइन में एक बटे दो एम से जरब देने पर, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये क्या होगा टू टू कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस हो गया। फिर ये दोबारा लिखेंगे हम वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम यू स्क्वायर बोला एफ कहां से आ गया, एफ कहां गया, एफ कहां से आया, किसकी जगह एफ रखी हुई देखो ना आप, तो इससे पहले हमें पढ़े ना फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, प्रॉब्लम सभी लास्ट से पिछले चैप्टर में क्या ना हरकत के कानून में एम ए फिर ए निकालना है तो एफ बटे एम ये निकाले थे हमने इस तरह से, तो एम ए इज इक्वल टू एफ ए तो इन प्लेस ऑफ एम वी कैन राइट एफ एस, तो ये क्या होगा वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम यू स्क्वायर इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर टू, बताइए इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी है, ये इक्वेशन थी हमारी कैनोडिक कैनोडिक इक्वेशन की, इसको इस तरह से लिखे फिर वन अपॉन एम वन अपॉन टू एम से मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरह से इज इक्वल टू एफ एस आया। अब उसके अलावा देखिए इस एफ एस जो है एफ एस तो यहां हम क्या करें देखिए कि ये दिया टू ए एस है ना टू एस, अब एस की जगह हम क्या रख सकते हैं डी भी रखेंगे इसके, ये कैसा रखते देखिए अब इसके अंदर ये इसलिए अगले इक्वेशन को देखिए दोबारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू टू ए इंटू डी, फिर वही आज भी वही करेंगे हम हाफ अपॉन एम से तरफाइन को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर थर्ड मल्टीप्लाई बाय हाफ एम, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम इंटू टू इंटू ए डी, फिर टू टू कैंसिल हो जाएगा फिर ये लिखेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, अब क्या बचा एम ए डी है ना, लेकिन एम ए क्या है हमारे पास एफ इंटू डी,
इसको दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर। अब ये याद रखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये समझ आए, ये लिख लो अगर लिख रहे होंगे तो मल्टीप्लाई एफ डी। अब ये इक्वेशन का हमको बार बार यूज होगा, देखिए मैं तो अब ये हमको मालूम हुआ कि देखिए कि इस मुसावात में तरफाइन में देखिए रफ्तार और कमियत, रफ्तार का मुरब्बा, रफ्तार का मुरब्बा जरब कमियत और उसका निस है ना मनफी, ये भी रफ्तार का मुरब्बा जरब कमियत निस मसावी होता है एफ इंटू एस के है ना, ये फोर्स इंटू एस एस क्या डिस्प्लेसमेंट में लेते हैं मुझे। हाँ तो अब ये वी क्या होता है, वी वी और यू रफ्तार है ना, तो वी कौन सी रफ्तार है, हाँ वी फाइनल वेलोसिटी आखिरी रफ्तार और यू इफ्तार, तो यहाँ क्या समझ आया हमारे फाइनल हाँ फाइनल रफ्तार में इब्तदाई रफ्तार, फाइनल रफ्तार का मुरब्बा ज़रब कमियत हाफ मनफी, इब्तदाई रफ्तार का मुरब्बा ज़रब कमियत हाफ मसावी एफ इंटू एस। सर वी यू रफ्तार तो एम का एम कमियत बोलो ना मास, मास ये वी वेलोसिटी यू, यहाँ भी मास ही की चाहिए, ये इनके अलग अलग है। तो यहाँ हमारे पास जो फोर्स हो रहा है देखिए तो ये जो काम होने वाला जा रहा है एफ है ना, तो ये सर टोटल क्या होगा देखिए एफ फाइनल डब्ल्यू आई माइनस इजिकल डब्ल्यू किया गया आखिरी काम मनफी इब्तदाई काम टोटल उसका काम, तो एफ डब्ल्यू एफ मनफी डब्ल्यू आई इजिकल टू डब्ल्यू वर्क टाइम होगा ठीक है। तो इतना ये चीज ख्याल रखो, आप हमने क्या देखे के बटर देखे ए इंटू ए, हमने क्या पढ़े तकलीफी कानून भी पढ़े और तकसीमी कानून भी पढ़े कॉम्पिटेटिव, और फिर उसका यूज अभी हम आगे करेंगे इंशाल्लाह, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।